ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये पंजाबी मेकअप लुक। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और आज मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है गाइज़। इससे पहले मैंने पंजाबी मेकअप लुक अभी तक अपने चैनल पर शेयर नहीं किया था, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है। प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। वैसे आप इस लुक को कर सकते हो पंजाबी किसी भी वेडिंग फंक्शन में, या आप इस मेकअप लुक को कर सकते हो लोहड़ी पे, मकर संक्रांति पे। तो बहुत ही इजी है इस लुक को करना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज। और गाइस, चाहे आपकी कोई भी स्किन हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, या फिर ऑयली स्किन हो, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे विंटर्स हो या समर्स हो, मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहती है और ड्राइनेस भी नहीं आती है स्किन में। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने डार्क सर्कल को कवर करने के लिए हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर। भाई चाहे कोई भी फंक्शन हो, लेकिन डार्क सर्कल नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका मेकअप भी ख़राब दिखता है और अच्छा भी नहीं लगता आपका मेकअप। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंसीलर का यूज़ किया है। तो ये देखें, मेरी आईज़ पर जो भी पिगमेंटेशन थी, जो भी डार्क सर्कल थे, उसे मैंने कवर कर लिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। वैसे तो विंटर्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को फिल। ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर है, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ के गैप को फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का शेड लूँगी, और मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर इस तरीके से लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं सेम जैकलिन हिल पैलेट से ये पीची शेड लूँगी, और इसे भी मैं इस तरीके से अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जेल आईलाइनर। स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस जेल आईलाइनर को अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूँगी, इस तरीके से ब्लेंड करते हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। आप चाहें तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए कोई भी आईलाइनर ले सकते हो आप, या फिर कोई काजल भी ले सकते हो, उसकी हेल्प से भी आप इस स्मोकी आई लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्लैक आई शेडो को, जो कि मैंने आईलाइनर लगाया था ब्लैक कलर का। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ कंसीलर, और इसे भी मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से सेंटर आईलिड पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने इसके बाद शिमर अप्लाई करने हैं ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए मेरी आईलिड पर। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ये गोल्डन कलर का शेड लूँगी, जो कि मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच जा रहा है। इसे मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से इस तरीके से लगा लूँगी, और अब मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ फेस मेकअप। तो अभी मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी एज अ फेस प्राइमर। तो आज के इस मेकअप लुक की खास बात यह है कि मैंने ये मेकअप लुक किया है पैनकेक की हेल्प से। ये कलर स्क्रीन का पैनकेक है, और इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है गाइज। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो इसे अप्लाई करने से पहले मैंने मॉइस्चराइज़र तो अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया था, और अब मैं ये एक गीले स्पॉन्ज की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। तो मैंने स्पॉन्ज को गीला कर लिया था, और इसे अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद ही मैं इस पैनकेक को अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जेल आईलाइनर, और ये सेम स्विस ब्यूटी का ही जेल आईलाइनर है। तो अब मैं इसकी हेल्प से आईलाइनर लगा रही हूँ यहाँ पर। और जो भी आपके पास मेकअप प्रोडक्ट्स हो गाइस, उसकी हेल्प से भी आप इस लुक को कर सकते हो। मैं यहाँ पर विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ।
इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। और अब मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी। कंटूरिंग गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इससे आपका फेस भी स्लिम दिखता है और बहुत ही शार्प लगता है आपका फेस। वैसे अगर आपको कंटूरिंग करनी आती है तो आप कर सकते हो, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश। मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश लगा रही हूँ यहाँ पर, पिंक कलर का शेड। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर, शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर लगा लूंगी मैं यहाँ पर। और इनर कॉर्नर्स में मैं गोल्डन हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ जो कि मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई किया था। सेम गोल्डन कलर का शेड मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पर। उसके बाद मैं लिप लाइनर लगा लूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिपस्टिक, और ये डार्क मैरून कलर का शेड है। और इस लिपस्टिक का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। सो गाइस मैंने यहाँ पर मांग टीका भी लगा लिया है। एसेसरीज मैंने अपने हिसाब से वियर किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली वियर कर सकते हो एसेसरीज जो भी आप पहनना चाहते हो। आज के इस मेकअप लुक में आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर परांदा भी पहना हुआ है। पंजाबी लुक है तो परांदा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए मैंने बैंगल्स भी पहन लिया है। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा मेकअप लुक। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और एडवांस में आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।